इकोनॉमिक्स वर्चुअल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत वस्तु विनिमय अर्थात बार्टर सिस्टम के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। वस्तु विनिमय के अंतर्गत सबसे पहले वस्तु विनिमय का इतिहास का अध्ययन करेंगे, वस्तु विनिमय की अवधारणा, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां और अंत में मुद्रा द्वारा वस्तु विनिमय की कठिनाइयों का निवारण। वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम का इतिहास। प्राचीन समय में मुद्राओं का उपयोग नहीं होता था तो फिर लोग कैसे वस्तु को खरीदते थे? यह हमारे मन में विचार आता है कि आज से हजारों वर्ष पहले जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को कैसे प्राप्त करते थे। इसके लिए उस समय के लोगों ने एक प्रणाली विकसित की थी जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। जैसे किसी को खाने पीने की कोई वस्तु खरीदनी होती थी तो वह उस वस्तु के बदले कोई और वस्तु दे दिया करता था। इस सिस्टम को अदला बदली एक्सचेंज भी कह सकते हैं, अर्थात वस्तु विनिमय के अंतर्गत लोग अपनी आवश्यकताओं की वस्तु को एक दूसरे से बदल लिया करते थे, उसी को वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। उस जमाने में नमक, सोना, चांदी, अनाज, जानवर का एक्सचेंज होता था। इन्हीं चीजों को धन के समान माना जाता था। इस प्रक्रिया को बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। एक उदाहरण से हम इस बात को समझ सकते हैं। खरीदारी के इस सिस्टम में काफी खामी थी। जैसे किसी के पास बकरी है और वह घोड़ा लेना चाहता है, घोड़ा वाला बकरी नहीं खरीदना चाहता लेकिन घोड़ा बेचना चाहता है, और बकरी वाला बकरी बेचना नहीं चाहता लेकिन घोड़ा खरीदना चाहता है। ये सारी समस्या इस सिस्टम में थी। इसी कारण ऐसे सिस्टम को विकसित करने की आवश्यकता महसूस हुई जिसमें यह सारी समस्या दूर हो जाए। इसी कारण मुद्रा का चलन आरंभ हुआ। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी क्या कमियां हैं, इसका हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु के प्रत्यक्ष विनिमय को ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे चावल के बदले गेहूं का, कपड़ों के बदले बर्तनों का आदान प्रदान आदि। वस्तु विनिमय प्रणाली की कई सारी कठिनाइयां होती हैं, जैसे दोहरे संयोग का अभाव, वस्तु विभाजन में कठिनाइयां, मूल्य हस्तांतरण का अभाव, क्रय शक्ति संचय में कठिनाइयां, सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव और भावी भुगतान का अभाव। तो ये सारी की सारी वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां हैं जिसका हम विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां। इस प्रणाली में दोहरे संयोग का मिलना हमेशा कठिन होता है। जैसे एक व्यक्ति को ऐसे दूसरे व्यक्ति की तलाश रहती है जो उसकी अतिरिक्त वस्तु लेकर उसको इच्छित वस्तु दे दे, अर्थात वस्तु विनिमय में हमेशा दो पक्षों के बीच किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होनी जरूरी है, तभी वस्तु विनिमय होगा। तो दोहरा संयोग होना बहुत जरूरी है, अर्थात दोनों को एक दूसरे की वस्तु चाहिए। बहुत सी ऐसी वस्तु होती हैं जिनका विभाजन
नहीं किया जा सकता। विभाजन करने से उन वस्तुओं की उपयोगिता समाप्त हो जाती है, जैसे गाय या बकरी आदि। बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको हम विभाजित नहीं कर पाते। अगर हम विभाजित करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं रहता, जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, कई और भी सारी वस्तुएं हैं। तो वस्तु विनिमय में ये सबसे बड़ी कठिनाई थी। वस्तु विनिमय में मूल्य के हस्तांतरण का अभाव रहता है, जैसे भूमि तथा मकान को एक स्थान से दूसरे स्थान में हस्तांतरण संभव नहीं है। तो मुद्रा हस्तांतरण वस्तु विनिमय में नहीं हो पाता है, क्योंकि वस्तु विनिमय में जैसे भूमि है, मकान है, इसको हम एक स्थान से बेचकर दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, और हमें दूसरी जगह जाके फिर दोबारा से मकान बनाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यही है कि वस्तु विनिमय में मूल्य का हस्तांतरण का अभाव रहता है। वस्तु विनिमय में क्रय शक्ति संचय संभव नहीं है। आप भविष्य के लिए वस्तु का संग्रह नहीं करके रख सकते, अर्थात वस्तु विनिमय में हम वस्तुओं का स्टोर करके नहीं रख सकते ताकि हम उन वस्तुओं का भविष्य में इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि वस्तुएं अधिकतर कुछ टिकाऊ होती हैं, कुछ अति शीघ्र नष्ट हो जाती हैं, तो ज़्यादा समय तक हम उनको अपने पास संचय करके नहीं रख सकते। तो ये वस्तु विनिमय का सबसे बड़ा दोष था। इसके बाद है वस्तु विनिमय प्रणाली में सर्वमान्य मूलक मापक का अभाव रहता है। प्रत्येक वस्तु का मूल्य अन्य वस्तुओं में तय करना बहुत कठिन होता है, जैसे एक मीटर कपड़े के बदले कितना ग्राम ये चावल मिलेगा। तो हर एक वस्तुओं को मूल्य मापन करना वस्तु विनिमय में बहुत ही कठिन कार्य है, जो कि असंभव लगता है। इसके बाद है वस्तु विनिमय प्रणाली में भविष्य में भुगतान करने का आधार नहीं था, अर्थात उस जमाने में मुद्रा नहीं थी, तो वस्तुओं को स्टोर करके रखना आसान काम नहीं था, और जो सौदे होते थे व्यापारिक वो भी भविष्य में करना संभव नहीं था, क्योंकि मुद्रा नहीं थी। वस्तुओं को हम भविष्य के लिए नहीं रख सकते क्योंकि वो शीघ्र नष्ट हो जाती है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में इसी प्रकार की कई प्रकार की जो मैंने अभी आपको बताया कठिनाइयां थी, जिसके कारण इन सारी कठिनाइयों को मुद्रा ने धीरे धीरे समाप्त किया। मुद्रा के द्वारा वस्तु विनिमय की कठिनाइयों का निवारण। मुद्रा के प्रयोग से दोहरे संयोग की आवश्यकता की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सभी वस्तुओं का क्रय विक्रय मुद्रा की सहायता से किया जा सकता है। अर्थात आज हमें किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास मुद्रा है तो हम बाजार में जाकर किसी भी वस्तु को कभी भी और किसी भी समय पर खरीद सकते हैं। मुद्रा छोटे छोटे मूल्य में विभाजित होती है, अतः किसी भी वस्तु के विभाजन की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात मुद्रा छोटे छोटे मूल्यों में 5 रुपये, 10, 100, 500, 1000, 2000 रुपये में विभाजित होती है। तो इसके आधार पर हम छोटी से छोटी और महंगी से महंगी वस्तुओं को भी आसानी से मुद्रा के माध्यम से खरीद सकते हैं। मुद्रा के द्वारा मूल्य के हस्तांतरण आसानी से हो सकता है। कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति या घर आदि को मुद्रा के रूप में बेचकर दूसरे स्थान में नई संपत्ति खरीद सकता है। मुद्रा के द्वारा मूल्य का हस्तांतरण मतलब आज कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को बेच सकता है, और उससे जो धन उसे प्राप्त होगा, जो मुद्रा उससे प्राप्त होगी, तो उससे हम दूसरी जगह पर दोबारा संपत्ति आदि खरीद सकते हैं। मुद्रा के द्वारा
क्रय शक्ति संचय संभव है, अतः भविष्य के लिए वस्तुओं को बेचकर मुद्रा के रूप में संग्रह करके रख सकते हैं। क्रय शक्ति अर्थात आप भविष्य में वस्तुओं को बेचकर मुद्रा के रूप में धन बैंकों में रख सकते हैं। तो इसमें किसान हो जो अपनी गेहूं का फसल को बेचकर उसे जो धन प्राप्त होता है उसे बैंक में रख सकता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति जिसको वेतन मिलता हो या कोई बिजनेस करता हो वो मुद्रा को बैंक में संचय करके रख सकता है। मुद्रा के द्वारा प्रत्येक वस्तु का मूल्य आसानी से मापा जा सकता है, मतलब मुद्रा एक ऐसी इकाई है जिससे हम छोटी से और बड़ी से बड़ी वस्तुओं का मूल्य आसानी से माप सकते हैं, उसको मुद्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं। मुद्रा के द्वारा भविष्य में भुगतान की कठिनाई दूर हो गई है, अर्थात मुद्रा के द्वारा आज हम कोई भी सौदा भविष्य में कर सकते हैं और भविष्य में हम किसी भी सौदे का भुगतान आसानी से कर सकते हैं। तो ये थे मुद्रा के द्वारा वस्तु विनिमय की कठिनाइयों का निवारण के उपाय। अर्थशास्त्र विषय को और अच्छे से समझने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को दिए हुए लिंक पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ मेरे YouTube चैनल को आप मोबाइल से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।